हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक करंट ऑन ह्यूमंस, के ह्यूमंस पर इलेक्ट्रिक शॉक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो किसी लाइव वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उसकी बॉडी पर। तो इस वीडियो में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हुई हैं कि जैसे कि अगर कोई पक्षी जब लाइव वायर पर और किसी कंडक्टर पर बैठता है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, पर जो पक्षी होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसका क्या कारण है। और इसमें मैंने जो रेजिस्टेंस होती है ह्यूमन बॉडी की, उसके बारे में भी बताया हुआ है। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया होगा कितना करंट किसी इंसान की बॉडी में से फ्लो करे और उसका क्या इफेक्ट होगा किसी भी इंसान की बॉडी पर, किसी भी ह्यूमंस बॉडी पर। सो ये सब बातें सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इंजॉय करना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जब कोई इंसान किसी वायर से लटक जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होगा उसका। अगर कोई पक्षी है वो एक कंडक्टर पर बैठ जाता है तो वो मरता क्यों नहीं है, उसको उसको क्यों नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगता। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पक्षी से कि आपको मैं एक बात बता दूं कि जब तक वो एक वायर पर बैठा हुआ है, जब तक वो एक कंडक्टर पर बैठा हुआ है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वो दूसरी पास से गुजर रही दूसरी वायर और कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आएगा तभी डेड शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। तो वह अभी तो इसमें कोई क्लोज पाथ मिल नहीं रहा है। सपोज करते हैं कि ये जो पक्षी है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है इस पक्षी की, तो इसको कोई भी क्लोज पाथ नहीं मिला। तो आप जब दूसरी जो कंडक्टर है, जब वायर है, दूसरा कंडक्टर और वायर है, जब उसके टच में ये आएगा, इसका कोई पार्ट बॉडी का उसके टच में आएगा, तो जो करंट है वो इसकी बॉडी में से फ्लो कर जाएगा और इसका कारण क्या होगा, जो डेड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो दूसरी बात को समझते हैं कि यदि कोई इंसान किसी कंडक्टर पर लटक जाएगा तो क्या होगा, उसको भी कुछ नहीं होगा जब तक वो दूसरे कंडक्टर के संपर्क पे नहीं आता या फिर वो अर्थ के संपर्क में नहीं आता, तब तक उसको कुछ भी नहीं होता। तो इससे क्या पता आपको सीखने को मिला कि जब भी करंट को फ्लो कराना है तो उसका उसको क्लोज पाथ देना जरूरी होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है। क्लोज पाथ कब मिलेगा, जब जो इंसान है वो किसी लाइव कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर किसी कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आएगा। जब वो अर्थ के या लाइव वायर के कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसकी बॉडी में से करंट फ्लो कर जाएगा और डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, वो इंसान मर भी सकता है। इसका इस ये बात डिपेंड करेगी कि उसकी बॉडी में कितना करंट फ्लो किया। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। तो होप सो कि आपको ये वाली बातें, ये कंसेप्ट का समझ लग गया होगा कि अगर कोई पक्षी किसी वायर पर बैठता है, किसी नेक्ड वायर पर बैठता है, तो उसको क्यों नहीं कुछ होता। इसका कारण यही है कि क्लोज सर्किट नहीं बनता। क्लोज सर्किट बनने के लिए उसका कोई पार्ट किसी दूसरी वायर से टच करना होगा, अदरवाइज उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस बॉडी, जो रेजिस्टेंस है ह्यूमन बॉडीज की, वो कितनी होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अंडर ड्राई कंडीशन है तो उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमंस की जो बॉडी होती है उसकी रेजिस्टेंस होती है 1 लाख ओम या फिर 100 किलो ओम या फिर 100 किलो ओम। जब जो बॉडी है वेट हो, गीली हो, या फिर जो स्किन है वो डैमेज हुई हो, ब्रोकन हो, तब उसकी जो रेजिस्टेंस है कम होकर कितनी रह जाती है, 1000 ओम और 1 किलो ओम। 1000 को हम 1 किलो 1 K भी कहते हैं। अगर हाई वोल्टेज में वो आ जाए तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कम कितनी हो जाएगी, 500 ओम रह जाएगी। वो क्या क्यों होता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान हाई वोल्टेज के संपर्क में आता है, हाई वोल्टेज उसको मतलब हाई वोल्टेज का शॉक लगता है, तो उससे क्या होता है कि जो इसकी स्किन है वो डैमेज हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। उससे क्या होता है, जब जो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, मतलब 1 लाख ओम थी वो कम होकर कितनी रह गई,
500 ओम। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो गई है, डैमेज होने से जो मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो इसमें आपने यही देखना है कि जो इंसान अगर ड्राई कंडीशन में है तो उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 लाख ओम। वेट और ब्रोकन स्किन की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 किलो ओम या 1000 ओम। एट हाई वोल्टेज, जब वो हाई वोल्टेज के संपर्क में आता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है बॉडी की है तो 1 लाख, बट वो स्किन डैमेज हो गई है तो उसके क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है कम होकर कितनी रह जाएगी, 500 ओम। जो इलेक्ट्रिक शॉक करंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इलेक्ट्रिक शॉक करंट है उसको बोलते हैं प्राइमरी। इस केस में क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल नुकसान होता है बॉडी का, जो हमारी बॉडी है वो डैमेज हो जाती है, उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, कौन सा शॉक करंट बोलते हैं, प्राइमरी शॉक करंट। सेकेंडरी शॉक करंट क्या होता है कि इसमें जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल हार्म नहीं होता, इससे क्या होता है कि जो हमें क्या कारण बनता है ये सेकेंडरी शॉक करंट, ये इनवॉलंटरी मस्कुलर रिएक्शन का कारण बनता है जो हम अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितना करंट किसी ह्यूमंस बॉडी में फ्लो करेगा और कितना नुकसान होगा उस बॉडी का, तो हम अब उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको जहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो करंट लेंगे वो हम 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का लेंगे, जो करंट फ्लो करेगा वो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर फ्लो करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू है वो है 0 to 1 mA। इस करंट, जब इस वैल्यू का करंट हमारी बॉडी में से फ्लो करेगा तो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी हमें महसूस नहीं होगा। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाकर कर दें 3 mA, तो अब क्या होगा, हल्का सा हमें महसूस होगा कि हमारी बॉडी में से कुछ मतलब झुंझुनी सी हुई है। अगर उस वैल्यू को और बढ़ा देते हैं हम, तो उस वैल्यू को मैंने कर दिया, हमने कर दिया 3 to 5 mA। इससे क्या होगा, हमें हल्की सी दर्द होगी, हमें दर्द होगा कि मतलब बॉडी महसूस करेगी कि कुछ मतलब पेन हो रही है, बॉडी पेन को महसूस करेगी। अगर हम उस वैल्यू को बढ़ाकर कर देते हैं 5 to 10 mA, तो हमें पेनफुल शॉक लगेगा, एक दर्द सा शॉक लगेगा एकदम, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जब हमने वैल्यू को और बढ़ा दिया, वो वैल्यू को कर दिया 10 to 15 mA, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे लोकल मसल है वो कंट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसको हम और बढ़ा देते हैं वैल्यू को 30 to 50 mA, तो इसके क्या होगा कि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, कि हम जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। इस केस में, किस केस में, जब जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 30 to 50 mA। तो नेक्स्ट जब हम इस करंट की वैल्यू को और बढ़ाते हैं 50 to 100 mA करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा हार्ट है उसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी होती है, जो धड़कता है आप पल्स महसूस करते हैं, वो भी एक फ्रिक्वेंसी में चलता है, सब कुछ एक रिदम में चलता है। अगर हम उसको हम 50 हर्ट्ज़, जो हमारी बॉडी है, जब 50 हर्ट्ज़ करंट जो है एक्सपीरियंस होता है हमारी बॉडी में, तो जो रिदम होता है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए हमें दोबारा उसी फ्रिक्वेंसी का, जो जितना करंट हमारी बॉडी में से फ्लो कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी का हमें दोबारा इंजेक्शन देना पड़ता है, वही करंट का इलेक्ट्रिक करंट का शॉक हमें देना पड़ेगा इस कंडीशन को, इस रिदम को सही करने के लिए। तो अगर हम करंट की वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, जैसे 100 to 200 mA कर दिया, तो इससे क्या होगा, वहां पर पॉसिबल था कि ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है, बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, जो हमारा मतलब हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस करंट की फ्रिक्वेंसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, उसकी फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इंसान की मौत भी हो सकती है। होप सो आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल गए होंगे।
तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।